सैन लाखा को प्रलोभन दे रहा है। संपत जी ने खुद कर 20 बार फोन आयो मेरे सामने के मैं केनरा बैंक में 2 लाख रुपया बैठे हूँ, आज जो रिपोर्ट बनाई अर्जुन जी आ रही इन्हें थे पठिन पेश मत करो। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं अपनो सीकर। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार हर एक को है और अगर लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन होते रहे तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक परिवार जो अपनी ज़मीन के लिए कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहे और उसके बाद में जब उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाए तो उसे धरना प्रदर्शन करना पड़े, तेज बारिश में भी वो उस प्रदर्शन पर डटा रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी बात नहीं सुनी जाए तो हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है। फतेहपुर का एक ऐसा ही मामला हमारे सामने है जहाँ पर एक परिवार अपनी ज़मीन के लिए फतेहपुर तहसील के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 2 दिन होने के बावजूद अभी तक उनकी बात नहीं सुनी गई है। तो हम परिवार के लोगों से मिलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। मेरी 65-70 साल से कब्जे काश्त की ज़मीन है, जो शिवायचक थी वो हमें आवंटन नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले नगर पालिका में डाल दी, हमें आवंटन नहीं हुई, उसके पहले नगर पालिका में चली गई, 12 में नगर पालिका में चली गई, वो भी यहाँ ऑफिस में बैठे ही उसको नगर पालिका में दे दी। कौन सी ज़मीन नगर पालिका में जानी है, कौन सी नहीं जानी है, कौन कास्ट कर रहा है, किसके कब्जे है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तब हम नगर पालिका में गए, तब वो बोले 4 दिन लेट हो गए, आप कोई वकील करके अपनी ज़मीन वापस निकला लो। नगर पालिका से मैं दावा किया, नगर पालिका जवाब दे दिया और मेरे फैसले पर फाइल है कि आपकी एक ज़मीन है, आप इसमें आपका फैसला आपके पक्ष में होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भिंडा जी से, मधु भिंडा जी से बात की, बनवारी भिंडा जी से भी बात की, वो मूर्ति प्राण उनके पहले भिंडा जी बोले नहीं कोई नगर पालिका खाएगी, नहीं कोई भूमाफिया खाएगा, नहीं हम खाएंगे, आपकी ज़मीन आप ही खाओगे, ये भिंडा जी का जवाब। उसके बाद में मेरे भाई मर गए, वो मरते मरते ये बात भिंडा जी उनको बोले, सब अधिकारी जाके तामील कराने गए, मेरा बड़ा भाई मर गया जिसके नाम से दावा चल रहा है वो, और ये जो ज़मीन है पूरी नगर पालिका की ज़मीन मेरे आनी चाहिए, वो उससे पहले मेरा निर्णय होने से पहले उस ज़मीन को उधर और इधर सेटलमेंट का फ़ायदा उठा के सर्वे का और ये सेटलमेंट वाले और तहसीलदार पटवारी गिरदावर सब मिलके और ये सब पूरे खसरे इधर के उधर कर दिए और नकली जमाबंदी बना के रिकॉर्ड पे चढ़ा दी और उसी आधार पे आज ये ज़मीन बेच रहे हैं। आज ये सब बोल रहे हैं कि ये ज़मीन प्रभु दयाल जी के हैं, तो प्रभु दयाल जी के वो कैसे ज़मीन आई, हम 70 साल में नहीं आई, तो प्रभु दयाल जी के बगैर आवंटन, बगैर कोई रजिस्ट्री, बगैर कोई आदेश के, अरे ये नकली जमाबंदी बन के उनके कैसे खाते में आ गई और कैसे बेचान हो गया और कैसे आज नामांतरण हो रहा है। मैं ये जांच कराना चाहता हूँ कि जो जांच किए पहले तहसीलदार जी उन पर SDM मैडम और तहसीलदार जी को अपने ही अधिकारी को का ये विश्वास नहीं है, जो कि पूरे सच्चे रिकॉर्ड के ऊपर 13 महीने से रिपोर्ट बनी है पूरी जानकारी के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो दो दांडी मंदिर जहाँ स्थित है उसको भी उठा के उधर पटक दिया, जबकि उसका 30 अगले साल उनकी 30 साल की लीज भी पूरी हो रही है और सरकार में निहित हो जाएगा वो, तो ये सब कुछ जानते पूछते ये सारा काम कर रहे हैं। जब ये हमको लास्ट नौबत ये आ गई कि ये हमारा हमारी तरफ कोई ये फैसला नहीं होगा, हाकम जी के पास भी जाके आ गए, वो भी बोले ये आपका नहीं, वो नामांतरण आधे का हो गया, आधे का और करेगा, उनको जवाब देना पड़ता है। दूसरी बार गए तो बोले कि मैं तो तहसीलदार जी को बोल दिया कि गलत कोई गलत मत करना, अगर गलत करेगा तो वो मरेगा, जबकि वो SDM प्रमोशन होने वाले हैं और ये सांबर जाने वाले हैं SDM बन के। अच्छा, दयानंद जी रूयल प्रमोशन होके सांबर SDM बन के जा रहे हैं, और मेरे को 4 दिन पहले उन्होंने 2 गवाह के सामने बोले, मेरे वकील जी के सामने बोले कि मैं खुद SDM बन के आऊँगा, यहाँ मैडम जी का प्रमोशन होगा तब, और मैं आपकी ज़मीन खाते डाल दूँगा, और या आप मैडम ऑर्डर कर देगी तो मैं कहीं भी हूँ आप मैं यहाँ आपसे आपके ऑर्डर करवा ये खाते डलवा दूँगा, ये हमारी बात हुई है। उसके बावजूद ये नामांतरण का आदेश दे रहे हैं और नामांतरण का ऑर्डर कर रहे हैं और ये नामांतरण दे रहे हैं, मेरी ज़मीन मेरे पैर तले से ही चली जाएगी तो मैं सरकार से लड़ूंगा कहाँ से, और जहाँ मेरे नंबर डाले वहाँ पहले ही कब्जे है ज़मीन, तीनों टुकड़े एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, वो पहले ही कब्जे कास्त कर रहे हैं 60 साल से, तो मेरे को कैसे घुसने देंगे, और मेरी ज़मीन पर आज ये नामांतरण कर देंगे, वो लोग ये मेरे को निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये ज़मीन आपके पास में कब से थी? 70 साल से, शुरुआत से जमीन आपके पास मेरे में थी। पिताजी की गिरदावरी है, नोटिस है, सब कुछ है। तो ये एग्जैक्ट आपको कब पता लगा कि जो जमीन है वो बेच दी गई है दूसरे के नाम से? मेरे को ये 16 के अंदर 15 और 16 के अंदर मेरा हाईजेक कर लिया था मेरा खेत, तब मेरा हमको मालूम पड़ा कि ये कोई भूमाफी अपना कब्जा कर लिया है, और तब से मैं भागने लगा, तब तहसील SDM मैडम और सब ये मैं सब रिकॉर्ड निकालने लगा सब जगह, और बाद में मेरे को पटवारी जी से मैं एक नक्शा लाया,
तो उसमें मेरे लाल पेन से वो तरमीम को ऐसे ऐसे कर, मुझे शक हो गया कि ये मेरे खेत का तरमीम में उल्टा सुलटा कर रहे हैं। तब से मैं 14-15 से मैं सब महकमों में जाके मेरा रिकॉर्ड निकाला हूँ, सब जगह में घूमते घूमते मैं थक गया हूँ, मेरा शरीर भी आधा हो गया। मैं ऐसा नहीं था, इन सब महकमों को पूछ, सब कर्मचारी को मालूम है, पूरी सेवा दी हूँ मैं यहाँ पे, मैं पूरे काश्तकार आते हैं उनकी भी सेवा कर रहा हूँ कि मेरे जैसे कोई रोए नहीं, मैं वो भी मदद कर रहा हूँ यहाँ। चुनाव में भी पूरा मदद की है उनकी, पूरा ठप्पा लगाना चुनाव में, गिनती के टाइम में मैं उनके पूरे महकमे के साथ था मैं, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये हमदर्दी नहीं बरत रहे हैं, और वो भूमा फियों को ये ज़मीन बेच रहे हैं। बिल्कुल, तो दो दिन से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर हैं। लास्ट मेरा यही है कि मेरा न्याय, इसी न्याय का ये सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसे वालों की तरफ झुक रहे हैं, गरीब का कोई सुनाई नहीं कर रहा है, और मैं अभी ये मेरा लास्ट है, मेरा या तो मेरा खेत आवंटन कर देंगे या मैं यहाँ से मर के जाऊँगा। तो दो दिन के अंदर क्या किसी अधिकारी ने या किसी कोई सुन नहीं, मैडम जी वहाँ मैडम जी अंदर चैम्बर में बुलाया हमको, मेरा रिकॉर्ड लिया, और तब बोले आज की तारीख में आपको कोई खेत है ही नहीं, तो मैडम जी मैं बोर रखा हूँ मेरे पैर तले, वो खेत किसका है फिर, और प्रभु जी के कैसे है, उसका नामांतरण कहाँ है, उसकी ये जमाबंदी कहाँ है, वो जमाबंदी का रिकॉर्ड पहले का जो उसका रिकॉर्ड है सब मेरे पास है, आपके पास पेश किया हुआ, उसकी जाँच हो सब। आपने अभी बता रहे थे कि आपके पास में इसके सारे सबूत भी हैं, आपके पास में सारे कागजात भी हैं, तो कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, तो वहाँ पर क्या आपको सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, मैडम जी बोले कि सब आपका बहस हो गया, साक्ष्य हो गया, सब कुछ हो गया, केवल मुझे आदेश देना है। तो मैं सोचा इस तारीख को फैसला हो जाएगा, इस तारीख को फैसला हो जाएगा, वो फैसला होने से पहले यहाँ तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहाँ फैसला, मैं वो तहसीलदार जी को हाथ जोड़ बोले मेरे साथ अन्याय मत करो, उन लोगों को बोल दो नामांतरण नहीं होगा, वहाँ केस चल रहा है, मैडम का फैसला होगा, उस हिसाब से इनका ये हारे हैं आप हारे हैं, कोई भी एक हारता है तो उसके हिसाब से आपका होगा, लेकिन उनसे पहले ये यहाँ काम अपना कर रहे हैं, कोई कोर्ट कोविड में नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ निर्णय करना है, इनको नामांतरण करने का क्या जल्दी है। तो अभी आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे ही रहेंगे या फिर आपके किसी प्रकार से किसी जनप्रतिनिधि से या ऊपर के अधिकारी से बात करने की आप सोच रहे हैं? हाँ, सब मुख्यमंत्री संभागीय आयुक्त कलेक्टर SP सबके पास तो जाके आएगा, पुलिस के पास भी SP की रिपोर्ट आई पड़ी है, वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कल भी मैं गया पुलिस के पास कि धरना का परमिशन दो, बोला नहीं देंगे, तो मैं बोला मेरा SP साहब से मेरा लेटर है, उसका कोई जवाब दो, कुछ तो करो, यहाँ भी सब आए पड़े हैं, कोई कुछ नहीं सोच रहे। लास्ट मेरा यही है कि मैं न्याय ले कर उठूँगा यहाँ से, ये भूमाफियों की चलने नहीं दूंगा, और ये सब जो मिल साठ गांठ करके जो काम कर रहे हैं ना उनके नहीं चलने दूंगा, मैं पूरी आवाज़ उठाऊँगा। फतेहपुर में बहुत कुछ हुआ है, शिवालय की ज़मीन है वो भी ऐसे गलत वारिस बन के, वो भी ऐसे ही है सर, फतेहपुर में बहुत भूमाफियों का ये हो रहा है, और ये सब मिलके सब काम हो रहा है। ये हमने बात की अर्जुन लाल जी से, जिनका कहना है कि 70 साल से वो ज़मीन उन्हीं की है, लेकिन विभाग ये गड़बड़ करके ये ज़मीन उनसे छीनी जा रही है। वो अपने पूरे परिवार के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ पर दो दिन से धरना दे रहे हैं। राम प्रताप पटवारी आपको चार्ज सौंप दियो, कोई शहर को पटवारी बनने को वो को निकले हिम्मत है, और बख्शी भी नटका नहीं, मैं तो हाथ जोड़ूँ शहर को कौन लूँगा, अड़क भूमा पिया वो है अब, और रवि मीण दूर को आगो जदी ना जाओ सहन लाख को प्रलोभन दे रहा है। संपत जी ने खुद कर 20 बार फोन आयो मेरे सामने के मैं केनरा बैंक में 2 लाख रुपया बैठे हूँ, आज जो रिपोर्ट बनाई अर्जुन जी आ रही इन्हें थे बठिन पेश मत करो, संपत जी हाथ जोड़ लिया कि नहीं मेरे से तो वो काम को नहीं हुए थारो, अन्याय को नहीं हुए हैं, जब फिर कह नहीं काम तो मेरा दिनेश वकील करा लेगा, लेकिन आप सिर्फ मुंह बंद रखने के लिए आ जाओ आपको तोहफा देने के लिए, ये बात मेरे सामने हुई है, संपत जी को पूछ लो आपसे। नहीं वो तो ठीक है जी, वो तो वो कह रहा है मीणा जी, तो ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं, मेरे पास कोई आदेश नहीं आया, मैंने कोई नामांतरण नहीं खोला है, नहीं खोलूंगा, मेरे पास SDO कोर्ट से जो आदेश आएगा उसी के पालना मुझे करनी है। आदेश मेरे पास पड़ा है, आदेश दिया तभी तो मैं जाके बोर्ड लगाया हूँ, ये पोस्टर लगाया हूँ, आदेश वहाँ से आदेश हो गया, सिर्फ ऑर्डर भी छपा पड़ा है, ऑर्डर छपा पड़ा है संपत जी की टेबल पर, सिर्फ तहसीलदार जी ने साइन करना बाकी है खाली, आदेश मेरे पास पड़ा है प्रमाणित। मना करते करते बहस हमारी वकीलों की सुने नहीं, और कुल्लड़िया में गुड़ फोड़े जी माई बैठ की चैम्बर में ही बहस बंद कर दी, और सब कुछ बंद कर 200 कागज मेरे पेश साक्ष्य पेश किए, उनको एक भी नज़र नहीं देखा तहसीलदार जी।